सुरेरी पुलिस ने दुष्कर्मी पिता को किया गिरफ्तार। बता दें कि सुरेरी थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरिया ने पिता समेत तीन लोगों पर दुराचार करने का आरोप लगाया था। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज भी किया था और अब दुष्कर्मी पिता को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। नाबालिग पुत्रियों ने पिता समेत तीन लोगों पर दुराचार करने का आरोप लगाया। सुरेरी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरिया ने सुरेरी थाने पर प्रार्थना पत्र देकर अपने ही पिता समेत तीन पर दुराचार करने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले में IPC की धारा 506, 376, 5/6 पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपित पिता को गिरफ्तार कर लिया। इस संदर्भ में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक क्या कह रहे हैं, सुनिए उनकी जुबानी। जनपद जौनपुर के सुरेरी थाना अंतर्गत एक गांव से एक ये सूचना आई है कि एक व्यक्ति अपनी ही दो पुत्रियों के साथ दुष्कर्म कर रहा था और उन लड़कियों की जो माँ है उसने ये तहरीर दिया है। इस तहरीर पर तत्काल थाना सुरेरी में क्राइम नंबर 73/22 अंतर्गत धारा 376, 506 और 5/6 पॉक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इस घटना में जो अभियुक्त पिता है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता लड़कियों की डॉक्टरी और 164 इत्यादि की जो विधिक औपचारिकताएं हैं कार्रवाई वो पूरी की जा रही है। अन्य साक्ष्य संकलन करते हुए शीघ्र ही इसका अंतिम निस्तारण कर दिया जाएगा।